नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेट टीचर्स भर्ती न्यूज, रीट मेंस लेवल फर्स्ट कट ऑफ, टीजीटी पीजीटी भर्ती रद्द, टीचर्स भर्ती न्यूज, यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन, जानिए सब कुछ। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट मेंस लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। सीकर जिले में सामान्य के 665 और विशेष शिक्षा के 35 पद हैं। 5 सवाल डिलीट होने से कम रह गई कट ऑफ, 10 से 15 अंक बढ़ सकती है। फाइनल मेरिट सीकर में 700 की होगी। अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी, 41,000 हुए पास। लेवल टू का परिणाम 15 जून तक जारी करेगा आयोग। नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षक की कट ऑफ इस प्रकार से है, सामान्य की 186.9188, सामान्य महिला की 186.9188, एससी की 157 और एससी महिला की 157। इस तरह कैटेगरी वाइज आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, आप देख सकते हैं। योगी नोटिस जारी कर दिया है, एक अनाउंसमेंट है, इट इज हियर बाय अनाउंसड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट 31/2022 दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ द अबोव सेड एडवर्टाइजमेंट, द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड शॉर्टली। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि पीजीटी की भर्ती को रद्द किया जाता है और नए सिरे से यह भर्ती का विज्ञापन आएगा। और ये बात हो रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा में जो पीजीटी की भर्ती आई थी 2022 में, उनको रद्द कर दिया गया और दोबारा से नए सिरे से विज्ञापन। प्यारे प्यार तो एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 के लिए अभ्यर्थन वापस लेने का समय बढ़ा दिया गया है। अब यह 31 मई तक अभ्यर्थन वापस लिए जाएंगे, उसके बाद कहीं जाकर एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती वेटिंग लिस्ट 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया। प्यारे प्यार तो यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन अब आपका नवंबर दिसंबर में ही आएगा। जो यूपी टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही सूचना है कि यह अक्टूबर नवंबर में आएगा, क्योंकि अभी तक नए आयोग का गठन की तैयारी चल रही है और जैसे ही आयोग का गठन हो जाएगा तो नए सिरे से यह विज्ञापन जारी होगा और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे आपको देखने को मिलेंगे इसमें नए बदलाव जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।